सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं गुड्डी नेगी उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून में फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज की फिर से करती हूँ मैं नए ब्लॉग का शुरुआत। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के संग खुश होंगे। और मैं बना रही हूँ फिर से नए ब्लॉग की शुरुआत है आज मेरी फिर से गमलों की आफत। और ये देखिए क्या हाल हो रखे हैं यहाँ गमलों के मेरे। ये जो खट्टा मीठा घास है इसने ज़्यादा परेशान कर रखा। और जो गमले खाली हैं उनको दूसरे गमलों में जो मैंने प्लांट लगा रखे थे दो दो तीन तीन, तो उनको लगाऊंगी क्योंकि कितने फूल खरीदेंगे, बहुत महंगे हो रखे हैं प्लांट भी। और पहले मैं देखिए इतना बड़ा गमला है मेरा, ये बड़े बड़े हैं मेरे तीन गमले। पहले इनको भरूँगी मैं मिट्टी से, एक थोड़ा छोटा है तो अभी लाते पहले हम मिट्टी। अभी हम दोनों मैं मेरे हस्बैंड लाएंगे मिट्टी, हो गए तैयार मिट्टी लाने के लिए। इनकी सुबह से मेरे संग बहस हो रही है कि तो जब देखो गमलों में ही रहती है, ऐसे मत कर वैसे मत कर। तो अब ला रखे गमले, बिना गमलों का भी घर खराब लगता है। वहाँ मत छेड़ो भाई, वहाँ मैं अपने आप करूँगी साफ। मिट्टी कौन निकालेगा? तुम निकाल ले। वो वाली नहीं, उसे रहन दो। तो तो आप ही ने तो भरा था, मैंने बोल दिया था इस इतने बड़े गमले में मत भरो, ये हमसे हिलेगा नहीं। अब इसमें भर के तब दूसरे गमले में डालना पड़ रहा। हमें लग गई है गमलों के संग थकाई। देखो गमलों के साथ हुआ था, इतना थक गया है। देखो एक झूला झूल रही है सुमन बेस्ट। ये आ रखे हमारे गेस्ट लोग, ये देखो एक नीचे बैठ रखे, यहाँ बैठो ऊपर बैठो। नीचे बैठो, मैं बोल रही हूँ बैठी नहीं, आजा मिस्टी। थोड़ा ब्रेक है हमारा भी। अब शाम के बज रहे 4:30 और मैं करती हूँ ये गमलों की सफाई। ये देखिए कैसे हो रखा है, यहाँ बारिश आने वाली है, मौसम हो गया एकदम अंधेरा। एक बार की बूंदा बांधी तो हो गई यार। ये पी रहे हैं यहाँ पे चाय मेरे पति देव। चलो सफाई करें गमले कहाँ से। हाँ उठाती हूँ पहले, इनमें पेड़ तो लगा देती हूँ, मेरे सारे खाली गमले इनमें लगा देती हूँ। मौसम तो बन रखा था बारिश का, बारिश नहीं हुई। अब मैं जाती हूँ यहाँ थोड़ा करती हूँ ये वाली झाड़ी साफ। तो ये देखो कितनी झाड़ी हो रखी, कल वाली वीडियो में भी दिखाई थी मैंने। तो ये तोरी के बेल में जा रखी है घास की बेल, इसको भी उखाड़ती हूँ पहले। तोरी तो लग रही है सामने, ये है तोरी ये। हो गई मेरी लॉन की सफाई भी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो घास तो निकाल दिया है मैंने और ये लगा दी ढेर घास की। ये बन जाएगा मेरा अच्छा वाला खाद फर्टिलाइजर। आज मैं जा रही हूँ लक्ष्मण सेन मंदिर, जहाँ अभी हम बरगद का पेड़ लगा के आए थे पिछली वीडियो में। और हमारे पड़ोसियों का है भंडारा, तो हम लोग जा रहे हैं भंडारे में, मैं और मेरे हस्बैंड। संडे है, भीड़ हो गया, ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। सावन का महीना भी चल रहा है और काफ़ी भीड़ हो रही है। संडे को तो वैसे भी भीड़ रहती है यहाँ पे। काफ़ी गाड़ियाँ आ रखी है। ये खाली मंदिर की रोड है, बाकी ऐसे मेन रोड नहीं है। तो इस पर ये खाली जितनी भी भीड़ है सारी मंदिर की भीड़ है, दर्शन करने के लिए आ रखे लोग। बहुत भीड़ हो रखी है, अगर एक ही भंडारा होगा तो मुश्किल आएगा नंबर, क्योंकि कभी यहाँ 8-8, 10-10 भंडारा होते हैं। चलो चप्पल तो निकाल लो, अरे यहीं पे निकाल दो जूते, मैं तो यही निकाल दी। ये देखो यहाँ ये पहली जगह घेर के बैठ गए, मैं करनी जगह ख्याल यही उनको।
कितना भंडारा ची बैठ जा वहीं पे पत्ते हमारे घर किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा ले आओ कुछ या खाली प्लेट है पड़ी है चल रहा है भंडारा और ये सामने मंदिर इधर लोग फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं इधर बैठा के नारे वाके यहाँ हो रही फोटो शूट हाय ये पड़ोसी हमारे यहाँ हो रही फोटो शूट ये ख्याल तू बोल बाप रे यहाँ देखो ये महाकाल हाय हाय सावन की मेहंदी हरी हरी चूड़िया या हरी हरी मेहंदी हाय हाय हेलो आप कुछ कहना चाहेंगे जी हमें बहुत अच्छा लगा आप कब आए आपने हमें कॉल क्यों नहीं किया अभी आए तुम क्या मो पकड़ दिया मैंने ये आ रखे चोरी चोरी आते मुझे नहीं मिलते और कौन भाई ए हे खुश रहो ये हमारी बुआरी और ये चाची जी यो दादा सरमान चाची बोलना नहीं यार इधर से लगाते हैं लोग लाइन मंदिर में आने के लिए और ये है लक्ष्मण सिद्ध मेन लक्ष्मण सिद्ध ये रहा और धूप बत्ती मानी जलाते लोग अंदर से आके और यहाँ पे जलाते ये देखिए ये जला रखा लोगों ने धूप ये तो अभी हमारी पलटन जा रही है जो भी है साथ में हम लोग जा रहे हैं जहाँ कुआ बोलते हैं लक्ष्मी भी पहले बार जा रही हूँ अभी तक हम लोग गए नहीं थे वहाँ तो ये सारी पलटन है हमारी चलते रहें रास्ता देखो रास्ता सही नहीं है वहाँ का ऐसा है इस तरीके का रास्ता है ये बरसात में पानी आने लग जाता है जैसे बारिश होती है ये खूब घना जंगल है ये देखिए कितना घना जंगल है यहाँ कन्फ्यूज हो गए थे किसी को पता नहीं है जाना किधर है भटक गए हम लोग यहाँ जंगलों में हाय हेलो सारे बच्चे कन्फ्यूज हो गए सारे बच्चे थक गए हाय आप कुछ बोलना चाहेंगे लाइक शेयर कमेंट ये बच्चे थक गए मैं थक गई हूं मेरे को कोई करना मुझे जब तक ये जब प्रियंका को फॉलो करो सब लोग वापस जा रहे हैं देखते हैं किधर से हम लोग भटक गए बहुत बुरी तरह से ओहो जाएं किधर से सब तो सब भटक गए भटक गए ना सब क्या होगा बताओ अब गाड़ी लेंगे निकल जाएंगे वापस अब वापस जा रहे हैं हम लोग फिर दूसरी रास्ता देखेंगे आज तो ढूंढ के रहना हमने कुआ नहीं मिला कुआ ना फिर क्या करें वापस चलो वापस मच्छर भी हुए हैं भाई एक भरी मच्छर भी छक हो रखे अब ये बताओ तीसरी जगह जाना है चले तीसरी जगह चलो चल के देखते हैं आज तो ढूंढना ही है नहीं आज फुल हॉलीडे मना सब बोल ठीक से कोई नहीं ढूंढ के तो भगवान जी मिल जाती भगवान जी पर छाई खुजाना चाहो भगवान जी भी मिल जाला ये जगह जगह बरसात में कुंड बना रखे है जानवरों के लिए पानी रोकने के लिए और पहाड़ ना टूटे खिसके इसलिए भी बना रखे हैं ताकि पानी धीरे धीरे से अपनी जगह पे जाए लोग भटक के वापस मंदिर के सामने आ गए हैं ये है सर ये देखिए ये सामने मंदिर है वो गाड़ियां हैं और ये लोग आ रहे हैं पता नहीं कहां से गाड़ियों में ये सामने गुज्जरों की झोपड़ी है ये सामने गुज्जर ये गुज्जर है सामने और इनसे एड्रेस पूछ रहे हैं मेरे हस्बैंड कुएं के बारे में मैं कुआ का पता नहीं है तो मेरे हस्बैंड उनसे पूछ रहे हैं
पटक गए, हम लोग नहीं जा पाए मंदिर, सॉरी कुआ के कुआ देखने। ये हमारे साथ की तरह हमारे आगे, और बाकी लोग चले गए, वो रहे कहाँ हैं, चले गए शायद आगे, काफ़ी आगे चले गए। अब हम लोग भी जाते हैं घर, बहुत हो गया। ये देखो टाइम 3 बज गए होंगे और अभी भी यहाँ काफ़ी भीड़ है मंदिर में। अभी हो रहा है टाइम 3:30 और हम आ गए हैं घर पे, और मौसम हो गया बहुत भयंकर घना घोर। ये देखिए मैं बादल दिखा को, आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली नई वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब सिर्फ एक बार होता है, बार बार हर बार नहीं होता, हर वीडियो में नहीं होता है, और लाइक हर वीडियो में होता है, और शेयर और कमेंट हर वीडियो में होता है, और लाइक भी एक वीडियो में एक होता है। और आज की वीडियो में देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो वीडियो पढ़नी भाई है लोगों है।